बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मकालमा के साथ शाहनवाज फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुनीर नियाज़ी का शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आज मकालमा में जिस दरिया का सामना है हमें, उस दरिया को आप उर्फ़ आम में उन फिल्मों से ताबीर करते हैं जिसे भारत में बनने वाली एंटी पाकिस्तान फिल्में कहा जाता है। इसके कई और उनवानात भी हैं। कुछ लोग इसको ऐसी फिल्में कहते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को हदफ बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान पर तनकीद की गई है, जिसमें पाकिस्तान को मौजू बनाया गया है। और फिल्में भारतीय हों या हॉलीवुड की हों, वो इस एतबार से बहुत अहम हैं कि ये वो मीडियम है कि जिसके तवसुत से पूरी दुनिया के अंदर कौमें अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को मुतारिफ़ कराती हैं, अपनी अकदार को आम करती हैं और वो हीरोज़ पैदा करती हैं जो दुनिया में वो पैदा करना चाहती हैं। हॉलीवुड इसकी बहुत नुमाया मिसाल है। दुनिया के बहुत से मुमताज़ मुबस्सिरीन हैं जो ये बात कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में अमेरिका का जो आलमी इमेज है उसको प्रोड्यूस करने में हॉलीवुड का बहुत मरकज़ी किरदार है। इसीलिए फिल्मों के हवाले से जब भी कभी गुफ्तगू होती है तो ये मौजू भी ज़ेर बहस आता है कि जब इंसान हर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये देखता है कि ये चीज़ उसके लिए कितनी ज़र्र रसा या कितनी फैज़ रसा है, तो ये उसूल और ये फार्मूला फिल्मों पर क्यों अप्लाई नहीं होता। आखिर हम फिल्मों के हवाले से ये देखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि उनका मौजू क्या है, उनका कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या बात कहने की कोशिश की गई है और क्या बात कहने की कोशिश नहीं की गई है। हम दवा खाते हैं और ये देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अगर हम फिल्म देखें और ये देखने की कोशिश करें, इस शऊर के साथ उसको देखने की कोशिश करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके मौजूआत का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि हम निस्बतन एक बेहतर और बाशऊर फिल्मी नाज़िर का किरदार अदा कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है, ये वो बात है, ये वो पहलू है कि जिसका हमारी कौमी ज़िंदगी से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके और हमारे दरमियान ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है और ये तारीख़ हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज होती रही है, हो रही है और आइंदा भी होती रहेगी। इसलिए कि तारीख़ एक ज़िंदा मौजू है, एक ज़िंदा पहलू है कि जो कौमों की ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करता रहता है। चुनाचे इस मौजू के हवाले से आज हमने अपने स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए जिन दो माहरीन को बुलाया है उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पीरज़ादा सलमान, सहाफ़ी हैं, नकाद हैं, शायर हैं और फिल्म के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू के लिए शोहरत रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद गज़नवी साहब, जामिया कराची के शोबे इबलाग अम्मा से वाबस्ता हैं, उस्ताद हैं, कॉलम निगार हैं और इबलागियात के मौजूआत पर गाहे गाहे इजहार ख्याल करते रहते हैं। तो हम अपने इन दोनों माहरीन से नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इन फिल्मों में क्या मवाद पेश किया गया है और इस मवाद से हमारा क्या ताल्लुक है। हम आज उन भारतीय फिल्मों का जायज़ा लेने वाले हैं, इल्मी और एक फिल्मी जायज़ा, कि जिनको उर्फ आम में एंटी पाकिस्तान फिल्में कहा जाता है। तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि तारीख़ को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो फिल्में बनी हैं उनको देखकर ख्याल आता है कि तारीख़ को बदला भी जा सकता है, मस्ख भी किया जा सकता है और उससे नए माने भी बरामद किए जा सकते हैं। ये फिल्में बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ा तहकीकी मौजू है जिस पर काम की ज़रूरत है, लेकिन हमने यहाँ आपके लिए एक छोटा सा तहकीकी काम किया है। उन भारतीय फिल्मों के कुछ मनाजिर आपके लिए मुंतखब किए हैं। इन फिल्मों के मनाजिर में क्या है ये आप देखकर खुद जान सकेंगे। शायद आपने इनमें से बाज़ फिल्मों को देखा भी हो, लेकिन आज उनको आप एक नए सीक्वेंस में मुलाहजा करेंगे। किसी शायर का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जिसमें एक तहरीफ के साथ मैं आपके सामने उसको पेश करता हूँ। सुन तो सही, जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहते हैं बॉलीवुड में तुझे गायबाना क्या। आइए देखते हैं। अपनी मौत को जिंदा रख के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है ज़हीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। जनाब, मुझे और हुकूमत पाकिस्तान को बेहद अफसोस है कि आपका प्लेन हाईजैक करके हमारे इलाके में उतारा गया है और सुना है शायद दो लोग भी मारे गए हैं। आपको इसी सिलसिले में तकलीफ दी है। मेरी गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपकी सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है। अल्लाह गवाह है जनाब, हम आपकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों पर हमला करके हमारे 107 यात्रियों और कर्मचारियों को आज़ाद करा सकती है? हम बिल्कुल तैयार हैं जनाब, बल्कि हमारी फौज ने तो उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है
जहां आपका वो प्लेन उतारा गया था। हमारी फौज कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन उसमें एक खतरा है जनाब। खतरा? कैसा खतरा? यही कि अगर मुजाहिदीन ने मेरा मतलब है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके प्लेन पर कब्जा किया है, प्लेन को बम से उड़ा दिया तो, या फिर हमारी फौज की फायरिंग में आपके लोग कुछ हलाक हो गए, तो आप इल्जाम तो हम ही को देंगे ना। इसका मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। जनाब मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। यही तो समस्या है, आप जो कहते हैं करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं जनाब, लेकिन पाकिस्तानी फौज एक्शन नहीं ले सकती। आप कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगे, तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरी राय में तो इस समस्या का एक ही हल है, आप बाबा जहीर को छोड़ दें। एक जिंदगी के लिए 107 लोगों की जान खतरे में डालना मुनासिब नहीं है, ये मेरी जाती राय है जनाब। आप हमें इस बात की आज्ञा देंगे कि हमारा एक डेलीगेशन आतंकवादियों से बात करने के लिए पाकिस्तान जा सके? डेलीगेशन भेजो ना जनाब, जरूर भेजो। सिर मत्थे थे, लेकिन 3-4 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। सर ये सब जहीर को छुड़ाने की साजिश है, और ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल यह है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर, अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सकें कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। इंडियन एयरवेज का विमान जो आतंकवादियों ने बाबा जहीर को आजाद कराने की मांग को लेकर अगवा किया है, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारत की ओर से 4 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। कोई जरूरत नहीं उसे पानी देने की, चल। वो प्रेग्नेंट है और उसे पानी की जरूरत है। हट! कोई नहीं मतलब कोई नहीं।